नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की प्रमुख खबर से। सेमरिया विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी केपी त्रिपाठी ने ग्राम कचनार, खमरिया, चौबेन, पोलवार, छिरहटा, कोडिहाई, अगेठिया, खमरिया, नेवाजी, गुरुवार, बड़ा मजगवा, बाबूपुर, ओगरा, अकोनी, गोढ़ा में जनसंपर्क करते हुए अपने क्षेत्र के विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच गए और क्षेत्र के विकास के लिए उनका समर्थन मांगा। उन्होंने कहा कि पहले मध्य प्रदेश को देश का बीमारू राज्य माना जाता था, लेकिन हमारी सरकार ने मध्य प्रदेश को आज देश का विकसित राज्य बना दिया है। हमारी पार्टी जो कहती है वह करके दिखाती है। केपी त्रिपाठी ने कहा कि सेमरिया की जनता जनार्दन विकास को मानती है और विकास कार्यों के आधार पर ही एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को ही अपना आशीर्वाद देगी। केपी त्रिपाठी ने अपनी सभाओं में सेमरिया विधानसभा क्षेत्र में 1600 करोड़ रुपए से भी अधिक के हुए विकास कार्यों को भी स्थानीय जनता के बीच साझा किया। केपी त्रिपाठी ने कहा कि आपका एक वोट सेमरिया और मध्य प्रदेश का भविष्य तय करेगा, इसलिए आप सभी सेमरिया और मध्य प्रदेश में ऐसी सरकार चुनिए जो विकास कार्यों के साथ ही साथ गरीब कल्याण को प्राथमिकता में रखते हुए भारत को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश बनाने में योगदान दे। इस दौरान जिला कार्य समिति सदस्य एवं सेमरिया विधानसभा संयोजक दयानंद तिवारी, जिला कार्य समिति सदस्य राजेंद्र त्रिपाठी, दामोदर पाठक सेमरिया मंडल अध्यक्ष अरुणेंद्र तिवारी, नगर परिषद सेमरिया अध्यक्ष प्रतिनिधि राजेंद्र विश्वकर्मा, उपाध्यक्ष मुरलीधर शर्मा, रन्नू सुंदरलाल शर्मा, उदयनाथ द्विवेदी, सीएम शर्मा, राजेश्वर अग्निहोत्री, पूर्व जिला मंत्री सुमन शुक्ला, श्रीकांत द्विवेदी, वेदांती प्रसाद चतुर्वेदी, प्रभात त्रिपाठी, गुरु प्रसाद तिवारी, श्यामा काली कोल, राजेंद्र द्विवेदी, शंभु उर्मलिया, राजेश ओम प्रकाश चतुर्वेदी, नितिन चतुर्वेदी, संजू चतुर्वेदी, पुष्पराज तिवारी, राकेश तिवारी, कृष्णपाल सिंह झल्लू, गुड्डा तिवारी, मनकामना द्विवेदी, शेष मणि प्रजापति, राम कौशल उर्मलिया, उदयभान सिंह, जगत बहादुर सिंह, वीरेंद्र सिंह, पयसुनिया पटेल, कार्यकर्तागण सहित स्थानीय गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। रीवा से विजय तिवारी की रिपोर्ट। था कि नहीं था, और अपनी सरकार बनी तो देखिए चमक गया यूपी। इसी तरह जहां जहां भी कांग्रेस की सरकारें बनती हैं या दूसरे दलों की, वो ये योजनाएं लागू नहीं कर पाते बजट के अभाव में। बजट इसलिए उनका सही नहीं रह पाता क्योंकि उनके पास ईमानदार प्रयास नहीं होता। लेकिन हमारी सरकारें जहां बनती हैं, हम पूरी तरह से कमिटेड हैं कि गरीबों के जीवन के स्तर को ऊपर उठाना है। हम कमिटेड हैं सड़क पानी बिजली देना है, इसलिए हम बजट को 23,000 करोड़ से 3,14,000 करोड़ ले गए। और जब हम लाडली बहनों के खाते में पैसा डालते हैं, 23,000 करोड़ जितना मध्य प्रदेश का पूरा बजट हुआ करता था, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार अकेले बहनों के खाते में डालने का काम कर रही है। अब तक लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।